गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जनरल नॉलेज क्लास 8। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 28 कंप्यूटर जीनियस के बारे में, जो कि कंप्यूटर में ये लोग निपुण है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर क्या है, चलिए कंप्यूटर के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। कंप्यूटर इज ए वेरी यूजफुल टूल फॉर एवरी डिसिप्लिन, ठीक है ना। ये बहुत ही यूजफुल टूल है किसी भी डिसिप्लिन में। We all think that we know everything about computer, but this doesn't necessarily mean that you are a computer genius. You must be willing to work hard every day in order to truly become a wizard behind the computer. It is important to know the contribution of people who have made computer an amazing tool. तो बच्चों, चलिए देखते हैं हम ऐसे जीनियस के बारे में जिन्होंने कंप्यूटर को अमेजिंग टूल बना दिया। तो पहला नाम है मार्क एंडरसन, इज वाइडली नोन फॉर को ऑथरिंग मोसिक, द फर्स्ट वाइडली यूज्ड वेब ब्राउजर। ही इज द फाउंडर ऑफ नेटस्केप कम्युनिकेशंस। ही इज ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ मोजिला फायरफॉक्स, which is a free and open source web browser. This browser has 30% users all around the world. पूरे वर्ल्ड में जो इन्होंने लॉन्च किया था मोजिला फायरफॉक्स, उसका 30% यूज होता है, लोग यूज करते हैं, ब्राउज मतलब खोजते हैं इस पर, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड नाम आता है टिम बर्नर्स-ली, is the inventor of the world wide web. He and his team built the world's first web browser, world wide web, the first web server and the hypertext based markup language HTML. although internet dates back to 1969, but the internet that we know टुडे वॉज ब्रॉट बाई ली, ठीक है ना। तो जो हम लोग नेट पे सर्च करते हैं, तो इन्होंने ही पहले 1969 में ये चीज को जो है वो सर्च किया था, ठीक है ना। इनको हम लोग शॉर्टकट में ली बोलते हैं। उसके बाद बच्चों नाम आता है बिल गेट्स का, है ना। बिल गेट्स का नाम आप लोग सुने होंगे, इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड इज द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। He also served as the CEO and is the largest individual shareholders in the company. He co-founded this company with Paul Allen. Microsoft company dominated the market with MS-DOS in 1980s, followed by Microsoft Windows, MS Office, video games, consumer electronics, etc. जो कि अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और ये फोर्थ नंबर में नाम आता है साइबर भाटिया। साइबर भाटिया अलोंग विद जैक स्मिथ फाउंडेड द पॉपुलर हॉटमेल, विच इज ए फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस। तो ईमेल सर्विस जो है इन्हीं की देन है, जो आज हम लोग ईमेल करते हैं ना। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1996 एंड वॉज सून taken over by Microsoft in 1998. Bhatia worked at Microsoft for about a year and then started another venture, Arzu Inc., which is an e-commerce firm. ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने चार जीनियस के बारे में पढ़ा, और अगले क्लास में और जीनियसेस हैं कंप्यूटर के, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में, ठीक है ना। इसमें कहीं भी आप लोग को डाउट्स है तो पूछिए।